हाय गाइस, स्वागत है आपका पीसी क्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साधारण बैच का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस्तों वाले क्वेश्चन। जी हाँ, किस्तों वाले क्वेश्चन जो इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 3-4 सालों के अंदर, उनमें एक किस्त वाला क्वेश्चन पक्का 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 आया हुआ है, चाहे वो साधारण ब्याज से हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज से हो। तो किस्तों वाले क्वेश्चन पक्का पूछे जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उनके अंदर। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो आपको बड़ा मेथड नहीं पढ़ना, बिल्कुल छोटा मेथड बिल्कुल शॉर्ट में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी आने वाले चक्रवर्ती ब्याज वाले क्वेश्चन हैं या फिर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज वाले मिक्स वाले क्वेश्चन हैं या फिर मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस सेशन को। तो दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, राम ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1720 रुपए उधार लिए। इस प्रकार उधार को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी, ऐसा हमारे से क्वेश्चन ने पूछा है। तो हम एक चीज जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज यदि हमको किसी पैसे पे मिलता है तो वो हर साल क्या होता है, सेम होता है। मान लो इस साल हमको 100 रुपए ब्याज का मिला तो अगले साल भी 100 रुपए मिलेगा, उसके बाद भी 100 मिलेगा, उसके बाद भी 100 मिलेगा, ऐसा कुछ होता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले साल 100 रुपए मिला, अगले साल भी 100 रुपए मिलेगा, उसके बाद भी 100 और उसके बाद भी 100, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है 4 वर्ष के लिए, तो हमने 4 बार क्या लिख लिया, 100। तो ये जो ट्रिक है बहुत शानदार ट्रिक है, इससे आपके किस्तों वाले क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। आपको ये इतना बड़ा मेथड जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हमको टोटल ब्याज कितना हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी किस्तों वाले क्वेश्चन, तो किस्तों में पैसा चुकाना है। तो मान लो अभी 100 रुपये है, फिर 5% जुड़ के आएगा तो कितना, 105 रुपये देना पड़ेगा। फिर 5% और जुड़ के आएगा अगले साल तो 110 रुपये हो गए। फिर 5% और जुड़ के आएगा तो टोटल हो गया 115। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 430%, जो किसके बराबर है, 1720 रुपये के बराबर है। जो कट रहा है उसको हम काट लेते हैं। हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 1%, जो कि किसके बराबर है, 4 के। तो 100% का वैल्यू चाहिए हमको, तो हमारे पास आ जाता है 400 रुपये, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है किस्त वाले वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं रेलवे के पिछले 3-4 सालों के पेपर्स के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमें बोल रहा है, 1092 रुपये का ऋण 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 3 वर्षों में चुकाया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो हम लगाते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक। मतलब हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, यदि मैं 100 रुपये ब्याज लेता हूं तो अगले साल भी मैं 100 रुपये ब्याज लूंगा, अगले साल भी 100 रुपये ब्याज लूंगा, मतलब 3 सालों का कितना ब्याज हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। लेकिन किस्तों वाले क्वेश्चन में यदि 100 रुपये पहले साल ब्याज ले लिया तो अगले साल 12% ब्याज जुड़ के आएगा, मतलब 112। फिर अगले साल कितना जुड़ के आएगा, इसी में 12% और जुड़ के आएगा तो कितना हो जाएगा, 124। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया, 336% आ गया टोटल। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा 1092 के बराबर हो गया। किसके, 1092 के बराबर हो गया। तो इस ये कट रहा हो तो काट देते हैं, तो ये कटेगा हमारा 3.25 के आसपास कटेगा। तो 1% किसके बराबर हो गया दोस्तों, 3.25 के बराबर हो गया। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 3.25 के बराबर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है। वो बड़े बड़े मेथड जो अभी तक पढ़ते थे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। किस्तों वाले क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन, चाहे साधारण ब्याज का हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज का हो, पक्का पक्का एक क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आएगा। रेलवे ही नहीं, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका रेलवे NTPC हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, चाहे पटवारी एग्जाम क्यों ना हो, सब में एक क्वेश्चन पक्का आपके आता ही आता है। तो देखते हैं दोस्तों ऐसा ही एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं ऐसा ही
एक क्वेश्चन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 1840 रुपए का ऋण 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर के 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है हमें। तो हमारा जो ट्रिक है वो अप्लाई करते हैं, 4 वर्षों के लिए बोला तो साधारण ब्याज में यदि 100 रुपए ब्याज पहले वर्ष मिलता है तो 4 सालों तक मुझे केवल 100 रुपए ही ब्याज मिलता रहेगा। अब हमने पढ़ा कि किस्त वाला क्वेश्चन है ये, तो पहले आपने 100 रुपए जमा करा दिए तो अगले साल तो आपकी किस्त में पैसा कुछ ऐड होके आएगा ना दर से, तो 10% जुड़ के आएगा 110 हो जाएगा, फिर अगले साल कितना 10 और जुड़ जाएगा 120 हो जाएगा, फिर अगले साल और जुड़ जाएगा 130 हो जाएगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 336 और ये 4460% आया हमारे पास। ये किसके बराबर होता है, 1840 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 10 से 10 कट जाएगा, फिर कितना बचा, ये कट रहा है किसी से, ये कट रहा है बिल्कुल 4 टाइम्स कट रहा है, तो हमारे पास क्या आया 1% आया, किसके बराबर आया 4 के बराबर आया। हमें चाहिए 100% वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा, ये 400 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, और किस्त वाले क्वेश्चन को बहुत बड़े रूप में आप लोग अभी तक करते हुए आए होंगे, तो अब आपको शॉर्ट मेथड सिखा दिया है तो इस मेथड से आप कर सकते हो। तो यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।